सिर्फ 10 मिनट में घुटने हाथ एड़ी कमर में चाहे कितना भी दर्द होता हो जड़ से खत्म करेगा ये उपाय। नमस्कार, घुटनों के दर्द से राहत पाए। दोस्तों आज का उपाय घुटनों के दर्द से जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत पाने का एक जबरदस्त उपाय है जिसमें आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना और ये उपाय आपके हर तरह के जोड़ों के दर्द में चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, कलाइयों में या कोहनी में होने वाले दर्द से पूरी तरह से छुटकारा दिलाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके एड़ी में सूजन है घुटनों में ठंड से होने वाली सूजन भी इससे उतर जाएगी। इस पौधे को लगाने के साथ साथ आपको यहाँ पर एक मलम बनानी होगी जिसकी हम घुटनों पर या अपने जोड़ों पर मसाज करेंगे और दर्द को वो पूरी तरह से खींच लेगी। इसके लिए आप यहाँ पर एक एलोवेरा लीफ लीजिए। मैं यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा की लीफ लूंगा। एलोवेरा दोस्तों लगभग हर घर में लगा होता है, इसके बहुत सारे मेडिसिनल फायदे होते हैं, इसलिए अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं लगा तो आप इसे जरूर लगाइए क्योंकि बहुत सी दवाइयों में इसका प्रयोग होता है। और इसे मैं ऊपर से काट कर इसका जेल निकालूंगा। आप किसी चम्मच की मदद से इसका जेल निकाल लीजिए और हमें जो है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच जेल लेना है और मलम बनाने के लिए हम इसे एक बाउल में डाल लेंगे। और इसे लिक्विड फॉर्म में बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से जैसे मैं चम्मच से यहाँ पर कर रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही इसकी लिक्विड फॉर्म बना लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ग्राइंड करके इसे लिक्विड फॉर्म में निकाल सकते हैं और कुछ देर बाद ये एलोवेरा जेल हमारा लिक्विड फॉर्म में इस तरह से मिल जाएगा। और साथ में आप यहाँ पर लीजिए टर्मरिक को यानी कि हल्दी। हल्दी दोस्तों एंटीबायोटिक होने के साथ साथ दर्द निवारक भी होती है, मसल्स की स्टिफनेस निकालती है, साथ ही साथ जोड़ों में होने वाले दर्द को ठीक करती है और जोड़ों में सूजन जो आ जाती है उसे कम करने के लिए हल्दी बहुत फायदेमंद है। आप यहाँ पर हल्दी लीजिए और हल्दी को हम यहाँ पर चम्मच से आप लगभग इतनी सी हल्दी इस एलोवेरा जेल में मिलाइए। इसे डालने के बाद अब आपको यहाँ पर मालिश के लिए चाहिए होगा तेल। तेल जो है दोस्तों आप अपने घर से कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपके घर में जैसे सरसों का तेल है, अगर आपके पास तिल का तेल है तो और भी बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल है यानी कि घर में मस्टर्ड ऑयल है तो आप उसे लीजिए और इस तेल को हम लगभग 1 चम्मच के बराबर डालेंगे। अगर दोस्तों आपके पास सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप तिल का तेल यानी कि सीसम ऑयल और ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल भी इसमें डाल सकते हैं। और इसे 1 चम्मच डालने के बाद आप इसे चम्मच से कुछ इस तरह से हिलाइए ताकि ये मलम हमारी तैयार हो जाए। दोस्तों आपके कलाई में होने वाला दर्द, आपकी कोहनी में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, जोड़ों में होने वाला दर्द यानी कि घुटने का दर्द, एड़ी में होने वाला दर्द, बदन दर्द में आपको मलम बहुत राहत दिलाएगी। आपको लगभग 1 से 2 मिनट तक हिलाना है ताकि ये पूरी तरह से मलम मिक्स हो जाए और जब ये मलम तैयार हो जाएगी तब आपको यहाँ पर इसे बांधने के लिए लेना है आग का पौधा, जिसे हम और भी कई नाम से जैसे कि मदार, अर्क और अकोवा के नाम से भी जानते हैं। बार बार होने वाले घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए दोस्तों आग का पौधा बहुत फायदेमंद है। ये पौधा कुछ इस तरह से मिलता है। अगर दोस्तों आप जोड़ों में होने वाली सूजन से परेशान हैं, आपकी कलाइयों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उसमें सूजन आ जाती है, एड़ी में सूजन आ जाती है या दर्द रहता है, वहां पर अगर आप इसके पत्तों का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। ये सूजन को बाहर निकालने के साथ साथ आपके दर्द को खत्म करेगा, लेकिन इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसके टहनियों में से कुछ दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो हमारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी टहनियों में से सफेद सफेद दूध जैसा पदार्थ निकल रहा है, तो इसलिए इस्तेमाल करते समय आप सावधानी बरतें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। आप इस पौधे के पत्ते तोड़ लीजिए और उसे किसी कपड़े से साफ कर लीजिए। इसका इस्तेमाल करने के दोस्तों बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम इसको गर्म करके इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए आपको यहाँ पर एक पैन ले लेना है या किसी कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन लिया है और मैं इसे उल्टा कर लूंगा। सावधानी के तौर पर हम इसे उल्टा करके इस्तेमाल करेंगे और उस पर ये पत्ता रख देंगे और हम यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप हल्का सा तेल लीजिए और इस पत्ते पे अच्छे से लगा दीजिए ताकि जब हम इसे गर्म करें तो ये कहीं जल ना जाए। देखिए मैं इस तरह से हल्का हल्का तेल जो है पत्ते के ऊपर चारों तरफ लगाऊंगा और इस पत्ते के दूसरी तरफ भी इस तेल को वैसे ही लगा दूंगा। लगाने के बाद अब आपको इस पत्ते को सेक लेना है यानी कि आपको इसे गर्म करना है। हम जो है यहाँ पर पैन को आग के ऊपर हल्का सा रखेंगे। आप इसे धीमे धीमे गर्म होने दीजिए। जैसे जैसे पत्ता गर्म होता जाए तब आप इसे बीच में पलटाते जरूर रहें ताकि पत्ता जो है दोनों तरफ से अच्छे से गर्म हो जाए। इसे लगभग 1 मिनट लगेगा और आप देखेंगे कि तेल का जो रिसाव है इस पत्ते में से होने लगेगा। और इसके बाद आपको ये पत्ता उतार लेना है और ये मलम लेनी है। और जहां पर भी आपके घुटनों में दर्द है, आपके जोड़ों में कहीं पर दर्द है, जहां पर आपके सूजन बहुत ज्यादा है, वहां पर इसकी मालिश करनी है।
आप इसे हाथों में लेते हुए इसकी मालिश वहां कीजिए जहां पर आपको दर्द होता है। अगर आपके एड़ी में दर्द होता है तो आप इसे वहां पर लगाकर इसकी मालिश कीजिए। आपके बदन दर्द होता है, कमर दर्द है, वहां पर लगाकर इसकी मालिश कीजिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, कहीं पर भी आपके जोड़ों में दर्द है, जैसे कि मैं यहाँ पर घुटनों पे लगा रहा हूँ, आपको इसी तरह से लगानी है और इसकी मालिश करनी है। और जब आपको लगे इसकी अच्छे से मालिश हो चुकी है, आपके घुटनों पर चारों ओर लग गया है, तो आपको पत्ते को गर्म करके घुटनों पर लगाना है और ध्यान रखना है कि जहां जहां पर भी आपके दर्द है वहां पर ये पत्ता लग गया हो। अगर आपको लगता है कि दो पत्तों का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आप दो पत्तों का इस्तेमाल कीजिए। और फिर हम यहाँ पर इसे धागे से बांध देंगे ताकि ये पत्ता अपनी जगह से ना खिसके और ये अपनी जगह से हिले ना। आप घर पे कोई सा भी धागा लीजिए और हल्का सा इसे बांध दीजिए। और उसके बाद आप किसी कपड़े से इसे बांध लीजिए। आप किसी गर्म पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल से इसे बांध सकते हैं, या फिर किसी कॉटन के कपड़े से इसे ऐसे बांध दीजिए ताकि इसको हवा ना लगे। अगर दोस्तों आपको ठंड लगी है, यानी कि ठंड की वजह से आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द है, तो पहले इस्तेमाल से ही आपको इसके असर दिखेंगे और पहली बार में ही आपके दर्द को खींच लेगा। लेकिन अगर आपका दर्द काफी पुराना है, आपके सूजन है, घुटनों में काफी पुराना दर्द है, जोड़ों में दर्द होता है, तो आप इसे कम से कम एक हफ्ता लगाइए और फिर देखिए आपको इसके आराम मिलने शुरू होंगे। आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों में, एड़ी में, कहीं पर भी अगर आपके दर्द है तो वो दोस्तों पूरी तरह से ठीक होना शुरू होगा और इसके इस्तेमाल से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिल्कुल देसी उपाय है जिसका किसी तरह का कोई खर्चा भी नहीं है और इसलिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।